अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे डेट इज़ ट्यूसडे 2nd June 2020, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट आरवे, लेसन नंबर 17, जॉनी हेड इन एयर। स्टूडेंट्स, टुडे आवर लेक्चर इज़ अबाउट वर्ड सेंटेंसेस एंड आल्सो ट्रांसलेशन लाइंस। सबसे पहले अपने नोट्स ओपन कीजिए। नंबर वन इज क्राइड, चिल्लाया, ही क्राइड विद पेन। नंबर टू वॉक्ड, चला, ही वॉक्ड ऑन फुट। नंबर थ्री स्वेलोज, अबाबील, आई वॉच्ड मैनी स्वेलोज। नंबर फोर थम, धमाका, आई हेयर द साउंड ऑफ थम। नंबर फाइव बैंक, किनारा, आई रीच्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। नंबर सिक्स वैग्ड, हिलाना या हिलानी, द फिशेज वैग्ड देयर टेल्स। नंबर सेवन शिवर, कांपना, द बेबी इज शिवरिंग विद कोल्ड। नंबर एट टीज, तंग करना, डू नॉट टीज अदर्स। नंबर नाइन लॉस्ट, खो चुके, यू हैव लॉस्ट योर राइटिंग बुक। ओके स्टूडेंट्स, अब आप अपनी ट्रांसलेशन लाइंस ओपन कीजिए। स्टूडेंट्स, कल हमने वर्ड स्पिनिंग भी किए थे और पेज नंबर 101 किया था। आज हमने 102 और पेज नंबर 103 करना है। सबसे पहली लाइन जो मैंने ली है वो 102 पेज से है, एंड द फिशेस इन डिसमे, डिसमे मीन खौफ से, वैग देयर टेल्स एंड रन अवे। एंड द फिशेस और मछलियाँ इन डिसमे खौफ से, वैग देयर टेल्स अपनी दुमों को हिलाती, एंड रन अवे और भाग गई। और मछलियाँ खौफ से अपनी दुमों को हिलाती हुई भाग गई। लाइन नंबर टू, बट As they were passing by, two strong men had heard him cry. But as they were passing by, लेकिन वहाँ से गुजरते हुए, two strong men, दो सेहतमंद आदमियों ने had heard him cry, उसे चीखते हुए सुना। लेकिन वहाँ से गुजरते हुए दो सेहतमंद लोगों ने उसे चीखते हुए सुना। लाइन नंबर थ्री, जॉनी नेवर विल फॉरगेट, जॉनी कभी नहीं भूलेगा, व्हाट इट इज टू बी सो वेट, के गीला होना कैसा था। जॉनी कभी नहीं भूलेगा कि गीला होना कैसा लगा। लाइन नंबर फोर, ईच पॉप्ड आउट हिज लिटल हेड, हर एक ने अपना सर तेज़ी से हिलाया, हर एक ने अपना सर तेज़ी से हिलाया। लाइन नंबर फाइव, सिली लिटल जॉनी लुक, यू हैव लॉस्ट योर राइटिंग बुक। सिली, सिली मीन बेवकूफ, लिटल जॉनी लुक, बेवकूफ छोटे जॉनी देखो, यू हैव लॉस्ट योर राइटिंग बुक, तुमने अपनी लिखने वाली किताब खो दी। बेवकूफ छोटे जॉनी देखो, तुमने अपनी लिखने वाली किताब खो दी। स्टूडेंट्स, आपने इस तरह से अपनी ट्रांसलेशन लाइंस भी लिखनी है अपनी नोटबुक पर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।